मणिपुर में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच अब खुद बीजेपी के 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष और मणिपुर सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। विधायकों ने लिखा है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में शांति की बहाली हो ही नहीं सकती। उनके काम करने के तरीके से मणिपुर का सामाजिक ताना बाना बुरी तरह टूट चुका है। ये वही मांग है जिसे कांग्रेस ने हिंसा के पहले दिन से उठाया था, लेकिन अब खुद बीजेपी के अपने विधायक इसे जोर शोर से उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी अपने विधायकों की अपील सुनेंगे? क्या बीरेन सिंह को हटाकर मणिपुर में शांति बहाल की जाएगी? क्या पीएम मोदी मणिपुर के पीड़ितों से मिलने जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? मणिपुर में हर दिन बढ़ते तनाव के बीच ये चिट्ठी उस विफलता का जीता जागता सबूत है जिसे केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार अब तक अनदेखा करती आई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस गंभीर स्थिति पर कही गई अपने विधायकों की बातों पर ध्यान देंगे या ये चिट्ठी भी अनसुनी रह जाएगी?